मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाली। खबरों का आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और कहने लगी कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया है और इस पर एक महीने के रोज़े लाजिम हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा क्या ख्याल है कि अगर इस पर कोई खर्च होता तो क्या तू तो इसे अदा करती? उसने अर्ज किया, हाँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के खर्च का ज़्यादा हक है कि उसे अदा किया जाए। तफसील से कबल नज़र डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। धान खरीदारी सेंटरों पर काश्तकारों के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करें और रबी सीजन के लिए खादों का कबल अज वक्त इंतजाम किए जाए। जिला कलेक्टर राम मोहन राव। एक और फितना, ऑडियो क्लिप व मेमोरी कार्ड की फरोख्त के जरिए इलाज के नाम पर ईमान पर डाके डालने की साजिश, इसमें मुलविस 7 अफराद गिरफ्तार। तहफ़्फ़ुज़े क़त्मे नबुव्वत व जमीयत उलमा व सियासी क़ायदीन की बरवक्त कार्रवाई का नतीजा। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम TRS हुकूमत का गरीब वालिदैन के लिए अनमोल तोहफा। गुरबा की इमदाद व सहूलतों की फराहमी हुकूमत का मकसद। रूरल MLA बाजू रेड्डी। कामारेड्डी में 28 साल नौजवान का सर पर वजनी पत्थर से वार करते हुए नामालूम कातिलों ने किया बेईमाना कत्ल। इलाके में सनसनी, पुलिस मसरूफ तहकीकात। बढ़ेंगे अब खबरों की तफसील की तरफ। धान खरीदारी सेंटरों से किसानों को दुश्वारियों का सामना करने से बचाया जाए और रबी सीजन के लिए कबल अज वक्त खादों को मंगवाने के लिए उहदेदार इकदाम किए। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने मुतालिक उहदेदारों को अहकाम जारी किए। शहर के कलेक्ट्रेट प्रगति भवन में ज़राती व कोऑपरेटिव मार्कफेड उहदेदारों से जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रबी सीजन के लिए ज़रूरियाती खाद पर कबल अज वक्त इकदाम लिए जाए और फसलों की तौसी को जहन में रखते हुए खादों की कमी होने नाते और इस बारे में हुकूमत को रिपोर्ट भिजवाने का इजहार किया और खादों की खरीदारी कर रहे किसानों से बायोमेट्रिक निशानात लेने के लिए अहदेदारों को अहकाम दी और एक किसान के नाम से ज़्यादा खाद लेने के इम्कान होने की वजह बायोमेट्रिक के जरिए खादों को देने के लिए अहकाम दिए और अपने पास मौजूद खादों के बारे में हुकूमत को मालूम दी, वरना मरकजी हुकूमत खादों का स्टॉक जमा होने का गुमान करेगी जिससे खादों को कम इजरा करने से दुश्वारियों में मुब्तला होने के इम्कान होंगे। और इसी तरह धान खरीदारी सेंटरों से अभी तक 1.5 लाख मैट्रिक टन धान की वसूली होने का किया इजहार। गुरबा को दुश्वारियों से बचाना ही हुकूमत का मकसद। रूरल MLA बाजू रेड्डी गोवर्धन का बयान। गुरबा लड़कियों की शादियां माँ बाप पर बोझ न बनने के लिए वजीर आला KCR सरप्रस्त की हैसियत ले रहे। शहर के MPDO ऑफिस में रूरल MLA बाजू रेड्डी गोवर्धन, कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक इस्तीफादा कुरिंदगान में चेकों की तकसीम की और गुरबा लड़कियों की शादियां माँ बाप पर बोझ न बनने के लिए वजीर आला KCR अनोखी स्कीम रूबी अमल लाने की उम्मीदवारों को मालूम दी। इसके बाद उन्होंने हुकूमत की जानिब से अंजाम दिए जा रहे स्कीम की मालूम देते हुए गुरबा इन स्कीम से इस्तीफादा हासिल करने का इजहार किया। इसी तरह डिशपली मंडल मुस्तकर में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तकसीमती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में रूरल MLA बाजू रेड्डी गोवर्धन मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की और मुकामी कायदीन के साथ मिलकर इस्तीफादा कुरिंदगान में चेकों की तकसीम की और मंडल के मुख्तलिफ देहातों से शिरकत किए 110 उम्मीदवारों को 1,15,00,000 मालियाती चेकों की तकसीम की और गुज़िश्ता 3 रोज से तकरीबन 5.5 करोड़ रुपयों के चेकों की तकसीम करने का MLA ने किया इजहार। गौरव मुख्यमंत्री गारू
పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులకు ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఒక్కొక్క కుటుంబానికి 116,000 రూపాయలు ఒక కట్నంలాగా, మినిమం కట్నంలాగా వారు సాంగ్యం జరిగింది. దాదాపు ఈ 3-4 డేస్ నుంచి 5.5 కోట్ల రూపాయలు 500 మందికి చెప్పులు ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి 5 కోట్ల రూపాయల వరకు చెప్పుల పంపిణీ జరిగింది. ప్రజలు అసలు ఊహించని విధంగా కోట్లాది రూపాయలు డబ్బుల్ని ఎవరో ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ ప్రజలు లాభాలు ఎవరు కూడా కష్టపడాలి. మెమోరీ కార్డ్ మే ఖురానీ ఆయతోన్ కి రికార్డింగ్ కే సాత్ మన్ ఘడత్ వాక్యాత్ ఔర్ ఆడియో క్లిప్ కే జరియే ఇలాజ్ కే నామ్ పర్ హమారే ఈమాన్ పర్ చోర్ దర్వాజే సే డాకే డాల్నే కి మజ్మూమ్ సాదిష్ రచీ జా రహీ. లింగంపల్లి హైదరాబాద్ కా రహనే వాలా ఫయాస్ నామే షఖ్స్ జిస్నే అన్బియా ఇక్రామ్ కి షాన్ మే గుస్తాఖీ కి ఔర్ ఇస్సే రుజూ హోనే వాలోన్ కో యే బతాయా కి అల్లాహ్ కే బాద్ నౌజ్ బిల్లా ఇస్కి ఇతాత్ లాజ్మీ హోనే కా దావా కర్ రహా. ఇస్కే అకాయిద్ కే మాన్నే వాలే బోధన్ పహుంచ్ కర్ ఏక్ ఖాన్దాన్ కో ముతాసిర్ కర్నే కి కోశిష్ కి జిస్ పర్ తహఫూజ్ ఏ ఖత్మీ నబువత్ జమీయత్ ఉల్మా వ కై సియాసీ ఖాయిదీన్ నే వహాన్ పహుంచ్ కర్ ఫయాస్ నామే ఫిత్నే కే మాన్నే వాలోన్ కో పోలీస్ కే హవాలే కియా. సదర్ జమీయత్ ఉల్మా హాఫిజ్ లైక్ ఖాన్ నే ఉమ్మత్ సే ఐసే ఫిత్నో సే బచ్నే ఔర్ అప్నే ఈమాన్ కో మహఫూజ్ రఖనే కి దర్ఖాస్త్ కి. దౌరే హాజిర్ ఫిత్నో కా దౌర్ హై ఔర్ నయే నయే ఫిత్నే సర్ ఉఠా రహే జిస్సే హమారే ఈమాన్ కో ఖతరా హై. బోధన్ శహర్ మే కల్ కుచ్ వక్త్ కే లియే ముసల్మానో మే బేచైనీ ఉస్ వక్త్ ఫైల్ గయీ జబ్ ఐసే హీ ఏక్ ఫిత్నా జిస్సే హమారే ఈమాన్ పర్ డాకా డాలా జా రహా మంజర్ ఆమ్ పర్ ఆయా. తఫ్సీలాత్ కి బమోజిబ్ హైదరాబాద్ లింగంపల్లి కా రహనే వాలా ఫయాస్ జిస్నే అన్బియా ఇక్రామ్ కి షాన్ మే గుస్తాఖీ కి దుఆ మాంగనే కో అల్లాహ్ సే జిద్ కర్నా బతాయా ఔర్ అల్లాహ్ కే బాద్ ఉస్కీ అతాఅత్ కో నౌజ్ బిల్లా లాజిమ్ ఖరార్ దియా. ఉస్కే మాన్నే వాలే 7 అఫ్రాద్ జో తబ్లీగ్ యానీ ప్రచార్ కి గర్జ్ సే బోధన్ పహుంచే తహఫూజ్ ఖత్మ్ నబువత్ ఆర్మూర్ జమీయత్ బోధన్ గుజిష్తా కై దినో సే ఉన్కి ఇస్ తహరీక్ పర్ నజర్ రఖే హువే థే. జిమ్మేదారాన్ మౌకే పర్ పహుంచ్ గయే ఔర్ ఉన్సే సవాలాత్ కియే జిస్కా కోయి జవాబ్ నా మిలా ఔర్ ముస్లిమ్ నౌజవాన్ జో ఇంతహాయి బర్హమీ కే ఆలమ్ మే ఇస్ ఫిత్నే పర్ థే హాలత్ కో దేఖతే హువే ఉన్ 7 అఫ్రాద్ కో పోలీస్ కే హవాలే కియా జిన్ పర్ FIR దర్జ్ కీ గయీ. జమీయత్ ఉల్మా నిజామాబాద్ సదర్ హాఫిజ్ లైక్ ఖాన్ వ తహఫూజ్ ఖత్మి నబువత్ కే జిమ్మేదారాన్ వ సియాసీ ఖాయిదీన్ ముసల్మానో సే పుర్జోర్ అపీల్ కీ కే ఇస్ తరహ కే ఫిత్నో మే నా పడే ఔర్ అప్నే ఈమాన్ కీ హిఫాజత్ కరే. అగర్ హమ్ రాయ్ కే బరాబర్ భీ ఈమాన్ లే జాయేంగే తో హమారీ బక్షిష్ హై ఔర్ అగర్ గలత్ అకీదా పైదా హో గయా తో హమారీ దునియా వ ఆఖిరత్ కీ బర్బాదీ హై. ముస్తఖిల్ ఫికర్ మే లగే హువే హై. ఫయాజ్ నామీ ఏక్ ఆద్మీ జో హైదరాబాద్ లింగంపల్లి కా రహనే వాలా హై ఉస్నే అప్నే నబీ హోనే కా దావా కియా హై. ఉస్ సిల్సిలే మే కై ఫతావే ఔర్ సవాలాత్ ఉసే బస్ భేజే గయే ఉస్నే జవాబ్ నహీ దియా. అల్బత్తా వో సామ్నే మే ఆయా ఉసే కారిందే కామ్ కర్ రహే హై ఔర్ హమ్ ఉన్హీ కే జరియే సే తహకీక్ కర్తే కర్తే బోధన్ తక్ పహుంచే ఔర్ ఉన్కే జో కామ్ కర్నే వాలే థే బాజాబ్తా ఉన్ తక్ పహుంచే ఉన్కో పకడే బాత్చీత్ కరే ఉన్హోనే కై కిస్మ్ సే హమే బాత్ కో ఉలట్ ఫిర్ కర్కే మనే కే ఘుమానే కీ కోషిష్ కీ. ఆఖిర్ మే మహల్లే కే ఔర్ ఇలాఖే కే నౌజవాన్ జమా హువే హాలత్ కో ఖాబూ మే రఖనే కే లియే పోలీస్ కో కిసీ నే ఇత్తలా కర్ ది. పోలీస్ ఆయీ ఉన్కో అప్నే తహవీల్ మే లేకే పోలీస్ స్టేషన్ పహుంచే ఫిర్ హమ్ లోగ్ వహాన్ జాకే ఉన్కే ఖిలాఫ్ కేస్ తహరీర్ కర్కే పోలీస్ కే హవాలే కరే ఔర్ ఇస్ సిల్సిలే మే హమ్ ముసల్మాన్ పూరే ఉమ్మత్ ముహమ్మదియా కో యే ఇత్తలా దేతే హై కే జో భీ మాషరే మే నబీ హోనే కా దావా కరేగా హమ్ సబ్ ఉస్కే ఖిలాఫ్ హై. ఇస్ బాత్ కా తయకున్ దియా హై కే అసల్ సరగనే కో బిల్కుల్ గిరఫ్తార్ కర్కే లాయేంగే. అబ్ హమారా కామ్ క్యా హై దుఆ కర్నా హై ఔర్ సబర్ తహమ్ముల్ కా ముజాహిరా కర్నా హై క్యూంకే దేఖియే హాలియా మే భీ హమారే పాస్ బాబరీ మస్జిద్ కా ఫైసలా భీ ఆయా తో భీ హమారే బడే లోగ్ క్యా అపీల్ కరే హమ్కో అమన్ బనాయే రఖనా హై ఇన్షాల్లాహ్ ఉస్కో సజా దిలానే తక్ హమ్ పీచే లగే హువే రహేంగే. అప్నీ జిందగీ ముల్క్ కే లియే వక్ఫ్ కర్నే వాలీ ఆలా శఖ్సియత్ ఇందిరా గాంధీ హై. DCC సదర్ మానాలా మోహన్ రెడ్డి కే బయాన్ ముల్క్ మే 4 మర్తబా వజీర్ ఆజమ్ కే ఓహ్దే పర్ ఫాయిజ్ హోనే పర్ భీ అవామీ ఖిద్మాత్ కోయి అవ్వలిన్ తర్జీహ్ దీ. शहर के जिला कांग्रेस पार्टी ऑफिस में आनजहानी वजीर आजम इंदिरा गांधी की जयंती तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई. इस मौके पर
डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, कांग्रेस कायदीन व अराकिन इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए जबरदस्त पैमाने पर खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर मानाला मोहन रेड्डी व ताहिर बिन हमदान ने कहा कि मुल्क में चार मरतबा वजीर आजम के ओहदे पर फायज होने के बाद भी इंदिरा गांधी में कभी तकबर नहीं देखा गया और हमेशा अवाम खदमात के लिए ही अवलिन तरजीह देने वाली आला शख्सियत इंदिरा गांधी ही होने की सताइश की और मुल्क को माली बहरान से बचाने और मुस्तहकम बनाने के लिए बैंकों को कौमी सतह में एक करने का इजहार किया और हिंदुस्तान का दूसरा नाम ही इंदिरा गांधी की हैसियत से दुनिया भर के मुल्कों की सताइश हासिल करने की बात की और इसी तरह फूलांग के पास वाकई इंदिरा गांधी मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए इंदिरा गांधी अमर है के नारे लगाए गए। कांग्रेस पार्टी कार्यालय इंदिरा गांधी గురించి విపులంగా చెప్పడం జరిగింది। ఈరోజు ఇందిరా గాంధీ సేవలు ఆమె జీవితం ఆమె వారు చేసినటువంటి త్యాగాలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ రేపు ఈ ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కొరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటున్నటువంటి నిర్ణయాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజల కొరకు చేయబోతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు వాటిని ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉందనేటువంటి విశ్వాసంతో ఆమె జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని మనం ప్రజల్లోకి వెళ్ళవలసినటువంటి బాధ్యత మనది ఉందనేటువంటి విషయాన్ని గ్రహించవలసిందిగా మీతో కోరుకుంటూ చాలామంది ఈరోజు देहातों के तलबा को बसों की सहूलियत न होने से सख्त दुश्वारियों का सामना कर रहे। हड़ताल का असर तलबा की तालीम पर, जिस पर तलबा ने जताया अफसोस। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा शहर के अंबेडकर चौराहे के पास तलबा संगमों के तहत रास्ता रोको किया गया। तकरीबन 40 रोज से तलबा को सही बसों की सहूलियत न होने की वजह तलबा कॉलेजों व स्कूल को वक्त पर नहीं जा रहे, जिससे देहातों के तलबा तालीम से महरूम हो रहे और देहातों के तलबा को स्कूल्स व कॉलेजों को जाने के लिए बसों का ही सहारा लेना पड़ता है और आरटीसी इदारा बसों को सही वक्त पर ना चलाए जाने से तलबा दुश्वारियों का सामना कर रहे, जिससे तंग आकर तलबा रास्ता रोको करने की बात की। इस प्रोग्राम में बीसी तलबा संगम, टीजीवीपी कायदीन व एसएफआई कायदीन ने शिरकत की। విద్యార్థులకు సరైన సమయానికి బస్సులు వెళ్తలేవు, గ్రామీణ ప్రాంతాలకు ఆటోలు ఉండే కాబట్టి ఒక ఆర్టీసీ బస్సు మీద ఆధారపడి ఉంటారు కాబట్టి బస్సులు ఏర్పాటు చేయాలనేది మా విద్యార్థి సంఘాలుగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। ఈరోజు బాన్సోలో రాష్ట్ర రోగ నిర్వహించి పూర్తి స్థాయిలో బస్సులు కేటాయించిన వరకు ఇక్కడ నుంచి లేవమని ఆర్టీసీ కార్మికులు గత 45 రోజుల నుంచి సమ్మె చేస్తున్నప్పటి నుంచి విద్యార్థులకు గ్రామీణ ప్రాంతాలకు ఈరోజు వరకు బస్సులు లేవు। ఈరోజు బాన్సోడ మండలం రెండు మండలాలలో 15 రూట్లలో ఇప్పటి వరకు బస్సులు వెళ్ళలేవు। మిగతా రూట్లలో ఒకరోజు వస్తే ఒకరోజు రాకపోవడం, టైమింగ్స్ లేకపోవడం, ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓన్లీ కలెక్షన్ రూట్లలోనే బస్సులు నడుపుతుంది, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో బస్సు నడతలేదు। ఎందుకంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో విద్యార్థులు ఉంటారు, విద్యార్థుల బస్సు బస్సుల వల్ల గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ రాదని చెప్పేసి ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతాల బస్సు నడుపుకోవడం చాలా చిక్కుచెడు। దీనివల్ల పేద మధ్యతరగతి విద్యార్థులు ఈరోజు కళాశాల కానీ పాఠశాలలో కానీ రాలేకపోతారు, వాళ్ళ విలువైన సమయాన్ని కానీ విలువైన సమయం వృధా చేసుకుంటారు। అంతేకాకుండా ఈరోజు విద్యార్థులు చదువులకు దూరం కావడం జరుగుతుంది, కనుక ప్రభుత్వం మరి ఒక దగ్గర 100% బస్సు నడుపుతారు అని చెప్తారు, మరి ఎక్కడ నడుస్తున్నాయి బస్సులు? ఇస్ పుర్ఫితన్ దౌర్ మే హమ్ అప్నే ఈమాన్ కి హిఫాజత్ హర్ తరహ సే కరే, కహీ ఐసా నా హో కి జానే అన్జానే మే హమ్ अजीम नेमत ईमान की दौलत से महरूम हो जाए। खादिया ने शकील बिन हनीफ के बाद एक नया फितना तेजी से सर उठा रहा। नऊद बिल्ला नबूवत का दावा करने वाला हैदराबाद का रहने वाला फयाज अपने मानने वालों के जरिए इस फितने से मिल्लत में इंतशार और बेदीनी फैलाने के दर पे है। इस फितने की सरकोबी के लिए उलमाए दीन, सियासी कायदीन वो जी असर अफराद ने सर जोड़कर महकमा पुलिस से नुमाइंदगी की और इसके खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस तरह के किसी फितने में ना पड़े, कोई ऐसा मामला हो तो अपने मकतब व फिक्र के उलमा से रुजू हो।
اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ ذمہ داران کی اہم اجلاس میں ملت سے اپیل۔ بودھن میں ایک نئے فتنے کا معاملہ سامنے آنے کے بعد تحفظ ختم نبوت، جمعیت العلماء اور بودھن شہر کے تمامی مسلم سیاسی قائدین نے اس فتنے کو کچلنے کے لیے کمشنر آف پولیس سے ملاقات کی اور اس پر کڑی کاروائی کا مطالبہ کیا، اور آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے اہم اجلاس شہر کے ایک پرائیویٹ فنکشن ہال میں عمل میں آیا، اور اس فتنے کے خاتمے کے لیے تبادلہ خیال و لائحہ عمل تیار کیا گیا جس میں علماء دین، سیاسی قائدین موجود تھے۔ تو پتہ چلا کہ لنگم پلی شہر لنگم پلی حیدرآباد کے اندر ایک فیاض نام کا بندہ ہے، جس کے سلسلے میں جامعہ نظامیہ سے 2017 میں اس کے کافر ہونے کا فتویٰ جاری کیا گیا۔ چونکہ فیاض کے چند ایسے عقائد ہیں جس میں انہیں وہ کہتا ہے، ایک جگہ بتاتا ہے عورتوں سے بات کرتے ہوئے کہ میری اور اللہ کی اطاعت تم پر لازم ہے، اور ایک جگہ کہتا ہے کہ اللہ سے دعا کرنا یہ ضد کرنا ہے، اور جتنے انبیاء اللہ سے دعا کیے ہیں وہ ایک نادانی کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فیاض کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد وغیرہ کے سلسلے میں جو دعا مانگے ہیں وہ ایک نادانی کیے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو دعا کیے ہیں الٹا لٹک کر کے بھی دعا کر لیے تو اللہ ان کی دعا نہیں سنے۔ اس طریقے کے یہ ہمارے انبیاء کی شان میں گستاخی کیا ہے۔ ہم نے وہ ایف آئی آر کی کاپی کو لے کر پولیس کمشنر نظام آباد سے بھی رجوع ہوئے ہیں، اور ان سے ہم نے درخواست کی ہے کہ ایسا شر پھیلانے والے لوگ، قوم ملت کے اندر تفریق ڈالنے والے اور جھوٹا دعویٰ کرنے والے لوگ، مسلمانوں کے اندر ایک قسم کی بے چینی پائی جا رہی ہے ان کی جانب سے، اس لیے جن کے اوپر ایف آئی آر درج ہوا ہے ان کو ٹاؤن بیل نہ دینے کی ہم نے درخواست کی ہے۔ پولیس نے ہم کو اس بات کا تیقن دیا ہے کہ وہ ان کو ٹاؤن بیل نہیں دیں گے، اور ان کو جیل کو ریمانڈ کے لیے جیل روانہ کیا گیا ہے۔ ہمارا 9ویں وارڈ بودھن میں ووٹر لسٹ میں رائے دہندوں کے ناموں کے اندراج کے سلسلے میں جو سروے کیا گیا، اس سروے میں کئی خامیاں ہیں اور با سیاسی قائدین کے دباؤ میں سروے کیا گیا۔ ٹی آر ایس قائد سید کا الزام، شفاف سروے کا مطالبہ کرتے ہوئے بودھن آر ڈی او کو تحریر یاداشت حوالے کی۔ بودھن شہر میں ٹی آر ایس قائد سید نے ایک وفد کے ساتھ بودھن آر ڈی او گوپی ناتھ سے ملاقات کرتے ہوئے اس بات کا الزام عائد کیا کہ بودھن کے 9ویں وارڈ میں ووٹر لسٹ کے ناموں کا جو سروے کیا گیا اس میں کئی خامیاں ہیں، اور بتایا کہ گھر نمبرات 1-1-1 سے 288 تک میونسپل کمشنر کے احکامات پر سروے کیا گیا، اس میں بعض سیاسی قائدین کے دباؤ کی وجہ کئی مکانات جو اس وارڈ میں شامل ہیں ووٹرز کو قائدین اپنے ووٹ کے لیے اپنے وارڈ میں ناموں کا اندراج کیا گیا، اس کو درست کرنے کا کیا مطالبہ۔ وارڈ نمبر 9 میں 1-1-1 سے 288 کا ٹارگیٹ دیے تھے میونسپل کمشنر صاحب، پھر اس میں میونسپل آفس میں تھوڑے آفیسر جو سو کمشنر صاحب کو مس گیٹ کر کے رانگ سروے دے رہے، تو ہم آڈیو صاحب کو یہ اپیل کریں کہ سروے صحیح کرو، اور ہمارا وارڈ بڑا ہے، 400-2400 ووٹ کا وارڈ ہے، تو تھوڑے وہ ووٹ کٹ کر دیے تو ٹھیک ہے، کٹ کرے بول کے ہم ایکسیپٹ کریں، لیکن کچھ گھروں کو ٹارگیٹ بنا کے کٹ کر رہے، اور 1-1 سے لے کے 288 ہے تو 1-1 کے لائن کٹ کر کے 16 میں ڈال رہے، تو ہم آڈیو صاحب سے اپیل کریں اور کمشنر صاحب سے اپیل کر رہے، میونسپل کے جو بھی آفیسرس ہیں ان کو کمشنر صاحب کو مس گیٹ کر کے سر۔ یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقفہ۔ نیو تاج جویلرز اعظم روڈ پر اپنے معزز گاہکوں کے لیے بمپر آفرز، صرف آفر نہیں آفرز، یعنی طلائی زیورات کی خریدی پر فی تولہ 1000 روپے۔ جی ہاں، 1000 روپے کی چھوٹ، فی تولہ چاندی پر 30,000 روپے کی چھوٹ، ساتھ ہی ساتھ زیورات کی بناوٹ پر 50% کی رعایت۔ اتنا ہی نہیں، نیو تاج جویلرز اعظم روڈ پر خریدے گئے زیورات کہیں بھی صرف ایک گونجی کم سے فروخت کریں۔ زیورات کے ماہر جناب خسرو کی نگرانی میں زیورات کی پوری گارنٹی کے ساتھ بناوٹ، ڈیزائن ایسے کہ آپ داد دیے بنا نہ رہ پائے،
कोई धोखा नहीं, कोई फरेब नहीं। उम्दा क्वालिटी, नित नए डिजाइन जो हर दुल्हन की पहली पसंद और आपकी तकारीफ को चार चांद लगा दे। अब खूबसूरत डिजाइन के तलाई जेवरात की खरीदी न्यू ताज ज्वेलर्स आदम रोड पर करें और फी तोला तलाई जेवरात मार्केट से 1000 रुपए कम कीमत पर पाए। इतना सब सिर्फ और सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स पर। अब जेवरात की खरीदी की खुशियां होगी दोबारा। हमारा पता है न्यू ताज ज्वेलर्स हेड पोस्ट ऑफिस के करीब बॉडी लाइन जिम के सामने आजम रोड निजामाबाद। सेल नंबर 08462252786 9493959515। जेड प्लस खलवे शहर बोधन बस स्टैंड के चंद मीटर के फासले पर SBI बैंक के बिल्कुल करीब। वसीव अरीज कुशादा और सहूलतों से आरास्ता इमारत जेड प्लस किराए पर दी जा रही। लिफ्ट की सहूलत, सेलर पार्किंग, जदीद तर्ज के हॉल व दीगर। अब अपनी तिजारत को चार चांद लगाइए। दवाखाने के लिए मौजूद तो देर न करें, वाजबी किराया या लीज पर हासिल करें। किसी भी कॉर्पोरेट तर्ज की तिजारत की मुफीद व मौजूद इमारत जेड प्लस खिला रोड नज़्द SBI बैंक निजामाबाद। राब्ता करें 9978710528 9701732021। शहर निजामाबाद में पहली बार स्टेनलेस स्टील की दुनिया में इरफान स्टील की धूम। जी हां, इरफान स्टील की धूम वो डबल धमाका। 75,000 मालियात का जहेज का मुकम्मल सामान सिर्फ 50,000 रुपये में। 50,000 मालियत का मुकम्मल जहेज अब सिर्फ 35,000, वो भी ब्रांडेड को गारंटी के साथ। अब आसान किस्तों में, यानी आप रोजाना 100 रुपये, हफ्ते के 1,000 रुपये या फिर महाना 3,000 रुपये अदा कर सकते हैं। यानी 18 महीने में आसान किस्तों पर रकम जमा करें और जहेज का मुकम्मल सामान गारंटी के साथ हासिल करें। इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 2 साल और स्टील के सामान पर 1 साल की गारंटी। कुरान पाक को जायनमाज इरफान स्टील की जानिब से बतौर तोहफा दिया जाएगा। इसके अलावा दशहरा व दीपावली का खास ऑफर, भारतीय गंगा का प्रेशर कुकर 5 साल गारंटी के साथ, 5 लीटर व 3 लीटर के कुकर सिर्फ 999 रुपए में। तो है ना डबल धमाका, जल्दी कीजिए, मौका छूट न जाए। इरफान स्टील, नज़्द इकबाल मीनार, अहमदी बाजार, निजामाबाद। फोन नंबर 9701033147। फिजा ज्वेलर्स का अपने मौजूद ग्राहकों के लिए धमाका ऑफर। जी हाँ, फिजा ज्वेलर्स पर तलाई जेवरात की खरीदी पर फी तोला 1,000 रुपए डिस्काउंट। हर तोला पर 1,000 रुपए का डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ फिजा ज्वेलर्स पर। तो इस बम्पर ऑफर का फायदा उठाएं और आज ही तशरीफ लाएं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो धोखा दे वो हमी से नहीं, झूठ रिस्क घटा देता है। फिजा ज्वेलर्स पर शादी सीजन के लिए स्पेशल ऑफर। कोई भी सोने का जेवर बनवाए, एक तोला जेवर की मजदूरी सिर्फ 100 रुपए होगी। कोलकाता के माहिर कारीगरों से बिस्किट के सोने के जेवरात सिर्फ 8 दिनों में आपकी पसंद के मुताबिक तैयार किए जाएंगे। तो जरूर तशरीफ लाए फिजा ज्वेलर्स, सुल्तान्स लेडीज शोरूम के बाजू, नेहरू पार्क, निजामाबाद। सेल नंबर 9394898550। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल बढ़ेंगे तफसील की तरफ। स्लम नवाई इलाके जो बरसों से आब किल्लत के मसले से परेशान थे, मिशन अमृत स्कीम के जरिए हर घर नल की तंसीब का तेजी से काम जारी। अवाम को मिलेगी बड़ी राहत, आबी मसला अब बहुत जल्द होगा खत्म। एक रिपोर्ट।
शहर के मुख्तलिफ स्लम नवाई इलाकों पेंटर कॉलोनी ड्राइवर कॉलोनी असद बाबा नगर और इब्राहिम नगर के अलावा दीगर स्लम इलाकों में मिशन अमृत स्कीम के तहत हर घर को नल कनेक्शन दिया जा रहा और ये काम इन इलाकों में तेज़ी से जारी है और यहाँ की आवाम जो टैंकर्स और बोर पंप का सहारा आबी ज़रूरियात पूरी करने पर मजबूर थी अब इन्हें अमृत स्कीम की वजह आबी परेशानी से बहुत जल्द राहत मिलने वाली है और इन इलाकों में हर घर नल कनेक्शन दिया जा रहा जिससे आवाम में मसरत पाई जा रही और बरसों से पानी की किल्लत से परेशान आवाम को मिलेगी बड़ी राहत। हड़ताल की वजह दो महीनों से तनख्वाह न मिलने से आर्टिस्ट मुलाजमीन दुश्वारियों का सामना कर रहे बाएं बाजू जमातों व जेएससी के बयान इस ताल्लुक से आरटीसी मुलाजमीन को बाएं बाजू जमातों व जेएससी की जानिब से चावल तकसीम किए गए। शहर के धरना चौक में आरटीसी मुलाजमीन की जानिब से अंजाम दी जा रही हड़ताल 46वें रोज में पहुंच गई। इस हड़ताल में टीडीपी कायदीन शिरकत करते हुए अपनी मदद जाहिर की और आरटीसी जेएससी व बाएं बाजू जमातों के तहत आरटीसी मुलाजमीन को चावल के थैले तकसीम किए गए। इसके बाद बाएं बाजू जमातों के कायदीन ने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन अपने हकीकी मुतालबों की एक सुई के लिए हड़ताल करने पर भी हुकूमत किसी भी तरह की तवज्जो ना दिया जाना अफसोस का मुकाम है और 46वें रोज से हड़ताल जारी रखने पर भी हुकूमत इनसे बातचीत ना करना तकलीफ का मुकाम है और दो महीनों से तनख्वाह ना मिलने से मुलाजमीन के खानदानों की हालत ज़ार होकर रह जाने का इजहार किया और हुकूमत इनके मसाइल की एक सुई करने की ख्वाहिश जाहिर की और एक नंबर डिपो व दो नंबर डिपो मुलाजमीन को फीकस 10 किलो के हिसाब से 20 कुंटल चावल तकसीम करने की बात कही और हुकूमत मुलाजमीन की हड़ताल को कमज़ोर करने के लिए साजिशें रचे जाने पर बरहमी जताई और केसीआर का गुरूर यादगार बनकर रह जाने के अलावा बहुत जल्द टीआरएस सरकार को अच्छा सबक सिखाने का दिया इंतबा। సమ్మె చేస్తా ఉన్నారు ఈ సమ్మెని సమ్మె పరిష్కారానికి చేయమని హైకోర్టు సూచన చేసినా హెచ్చరించినా పట్టించుకోలేదని చెప్పేసి మనకు అర్థమవుతా ఉంది। ఈ వెలుగులో ఆర్టీసీ ఏదైతే నిన్న చేసి సడక్ బంద్ ఇచ్చిందో ఆ సడక్ బంద్ కూడా విఫలం చేయడానికి ముందస్తు పేరు మీద అర్ధరాత్రులు అరెస్టు చేయడము గృహ నిర్బంధాలు చేయడము అట్లాగే ఎక్కడికక్కడ ఆ రహదారుని పోనీయకుండా హత్యలు చేయడం అనేది ఇది ఆ ప్రజాస్వామిక చర్య నియంత చర్య ఇది ఎమర్జెన్సీ చీకటి రోజుల్ని తలపిస్తుందని చెప్పేసి గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం। గడిల రాజ్యానికి చరమగీతం పాడే రోజులు దగ్గర పడ్డాయి అని చెప్పేసి మేము హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। ఇప్పటికైనా ఏదైతే కార్మిక శాఖకు ఉపజెప్పారో కమిషనర్ గారికి కమిషనర్ గారు నిష్పక్షపాతంగా దొరలకు అనగకుండా దొరలకు आँखों व दांतों पर आवाम खुसूसी तवज्जो दे और उनकी हिफाजत के लिए हर तीन माह में एक बार तशखीस जरूर करवाए। लायंस क्लब ऑफ रुद्रपुर प्रेसिडेंट श्याम सुंदर का बयान। ऑपरेशन की जरूरत होने वाले मरीजों का बोधन लायंस हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने का किया इजहार। रुद्रपुर मंडल के सरहदी हंगीरगा फार्म गाँव में लायंस क्लब ऑफ रुद्रपुर के तहत मुफ्त दांतों व आँखों का तिब्बी कैंप मुनक्कद किया गया। इस कैंप में ईआर डेंटल क्लिनिक डॉक्टर अब्दुल रजाक बोधन लाइंस हॉस्पिटल के डॉक्टर श्वेता मुफ्त तिब्बी तशखीस की और 126 मरीजों को मुफ्त दवाएं तकसीम की और दांतों व आँखों की हिफाजत के बारे में डॉक्टरों ने आवाम को मालूमात दी। इस मौके पर क्लब सदर श्याम सुंदर ने कहा कि इस मुफ्त तिब्बी कैंप से आवाम इस्तेफादा हासिल करे और दांतों व आँखों के अमराज की तशखीस करवाते हुए मुफ्त दवाई लेने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच एजाज खान क्लब सेक्रेटरी रामराज जी किरण कुमार दयाकर व दीगर ने शिरकत की। कामरेड्डी में एक 28 साल मोहम्मद तौफीक नामी नौजवान के सर पर वजनी पत्थर से वार करते हुए नामालूम कातिलों ने बेईमाना कत्ल किया। पुलिस ने इस जमन में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। कामरेड्डी जिला मुस्तकर पर आज 28 साल मुस्लिम नौजवान की नाश खून में लुतपुत गांधी गंज गेट के पास पाई गई। तफसीलात के मुताबिक कल रात देर गए नामालूम अफराद ने गांधी गंज गेट के रूबरू शेख तौफीक उम्र 28 साल मुतवतिन बदकमकुंटा कामरेड्डी के सर पर वजनी पत्थर के जरिए हमला करके कत्ल कर डाला। ये बात भी गश्त कर रही है कि मकतूल जो कि महुए काब था
किसी ने वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर डाला। इतला मिलते ही कामरेडी SHO जगदीश और सब इंस्पेक्टर रवि कुमार जमीयत के साथ मुकामे वाके पहुंचकर नाश का पंचनामा किया और नाश को सरकारी दवाखाना मुंतकिल करके जाब्ते की कार्रवाई की और मुकदमा दर्ज करके हर जाविये से तहकीकात का आगाज कर दिया। आरमूर म्यूनसिपल में जम होने वाले ग्राम पंचायत के तहत आने वाले प्लाट्स मालिकान LRS स्कीम के तहत अपने प्लाटों को लेआउट करें। आरमूर म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा का बयान। आरमूर म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा ने मीडिया नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की अहकामात के बिना पर आरमूर म्यूनसिपल में जम होने वाले ग्राम पंचायत पेरकेट कोटा आरमूर मामड़ेपल्ली का 46 किलोमीटर एरिया बढ़ने का इजहार किया। शहरी आरमूर में कई LRS स्कीम अमल में लाई जा रही जिसकी आखिरी तारीख 30 दिसंबर है। जितने भी नॉन लेआउट प्लाट सही वो लेआउट के लिए इजाजत लेकर खाली प्लाट्स में तामीर के लिए मालिकीन आरमूर म्यूनसिपल रुजू हो। इसके लिए स्पेशल काउंटर कायम किया गया है। आरमूर म्यूनसिपल ऑफिस पर आवाम की सहूलत के लिए हेल्प डेस्क काउंटर के जरिए मालूमात हासिल करते हुए ऑनलाइन के तहत हर फर्द फीस अदा करते हुए इजाजत नामा हासिल करें। म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा ने आवाम से अपील की कि वो बगैर इजाजत कोई भी तामीराती कामों को अंजाम ना दे। గ్రామాలైన పెరికిట్ కోట ఆర్మూర్ మరియు మామిడిపల్లి గ్రామ పంచాయతీలని ప్రభుత్వ ఆదేశానుసారం ఆర్మూర్ పట్టణంలో విలీనం చేసినందున దాదాపు ఏరియా 46 స్క్వేర్ కిలోమీటర్లకి ఇది పెరిగింది. సో పట్టణంలో కొత్త LRS అనే స్కీమ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ అవబోతుంది అవుతుంది కాబట్టి December 30 లోపు ఏదైతే నాన్ లేఅవుట్ ప్లాట్లు ఉన్నాయో లేఅవుట్ పర్మిషన్ తీసుకొని ఖాళీ స్థలాల్లో అనధికారిక నిర్మాణాలు చేపట్టకూడదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ మీ మీ ప్లాట్ ఓనరు మున్సిపల్ ఆఫీస్లో స్పెషల్ కౌంటర్ ఏర్పాటు చేసినాం. ఇక్కడికి వచ్చి లేఅవుట్ అప్రూవల్ అనేది తీసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాం. December 30 చివరి తేదీ మీకు కావాల్సిన వివరాలన్నీ కూడా హెల్ప్ డెస్క్ ద్వారా అందిస్తుంది. اختتام سے قبل پھر ایک بار نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر. دھان خریداری سینٹروں پر کاشتکاروں کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کریں اور ربی سیزن کے لیے کھادوں کا قبل از وقت انتظامات کیے جائے. जिला कलेक्टर राम मोहन राव। एक और फितना, ऑडियो क्लिप वो मेमोरी कार्ड की फरोख्त के जरिए इलाज के नाम पर ईमान पर डाके डालने की साजिश, इसमें मुलाविस 7 अफराद गिरफ्तार। तहफुज़े खत्मे नबुवत वो जमीयत उलमा वो सियासी कायदीन की बरवक्त कार्रवाई का नतीजा। शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी स्कीम TRS हुकूमत का गरीब वालिदैन के लिए अनमोल तोहफा। गुरबा की इमदाद वो सहूलतों की फराहमी हुकूमत का मकसद रूरल MLA बाजू रेड्डी। कामारेड्डी में 28 साल नौजवान का सर पर वजनी पत्थर से वार करते हुए नामालूम कातिलों ने किया बेईमाना कत्ल। इलाके में सनसनी, पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए प्रवास TV। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।